बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, तुम जरा जल्दी से बालकनी में आओ तो। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई वो पोपटलाल बुला रहा है। क्यों? अरे यार तुम आओ ना यार, सवाल मत पूछो, प्लीज जल्दी आओ यार। आ रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या वो तो बताइए। अरे भाई ये पोपटलाल और भिड़े के बीच में बहस हो गई है जेठालाल। आ रहा हूँ। फालतू की बहस करो, मतलब क्या है तेरा? और नहीं तो क्या, खुद कमिटी मेंबर होते हुए भी पूरी जिम्मेदारी का टोकरा मेरे सिर पे रख ले। आत्माराम, कूल डाउन, कूल डाउन। शांति से बात करो थोड़ा। अय्यर तुम मुझे क्या बोल रहे हो शांति से बात करने के लिए? भाई तुम पोपटलाल को बोलो, सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, मतलब तो वही करता नहीं है और आ जाते हैं परेशान करने के लिए। ओ भाई ओ भीड़े, तो मुझे क्या बोल रहे? मैंने कब परेशान किया तुझे? अरे भाई मैंने तुम्हें कब बोला जेठालाल? रवि है, बोलते बोलते मेरी तरफ तो देखा तूने? अरे वो तो मैंने ऐसे जनरली देखा, लेकिन हाँ जहाँ तक परेशानी की बात है, तुम तो मुझे परेशान करते ही हो ना। सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक टाइम पे ना देकर। अरे एक दो बार गलती से लेट क्या हो गया, अभी उसकी पिपुड़ी बजा बजा के जिंदगी भर तो सुनाता रहेगा। एक दो बार? अरे साल में एक दो बार तुम टाइम पे देते हो, बाकी पूरा टाइम मुझे तुम्हारे पीछे ही पड़ना पड़ता है। तो अभी कुछ टाइम पहले 3 महीने का मेंटेनेंस मैं तुझे एडवांस में देने आया था, तभी क्यों नहीं लिया? अरे वो ऐसा ही है जेठालाल। ओए पप्पू ठंड पा यार। हाँ भाई। अरे तू मुझे क्या ठंड पाने को बोल रहा है? भीड़े को बोल, ये सारा बखेड़ा ये भीड़े की वजह से हुआ है। पोपटलाल कुछ भी मत बोलो, आत्माराम की वजह से कोई बखेड़ा नहीं होता है। यहाँ सोसाइटी में बखेड़ा होता है तो सिर्फ एक ही आदमी की वजह से होता है। ओ यार भाई, क्या कहना क्या चाह रहे आप? मैंने कभी क्या बखेड़ा? मैंने तुम्हारा नाम लिया। ओ यार ब्रांड नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा इशारा जेटा ब्रा की तरफ था। तो सॉरी तो चुप रहना यार। ओए अय्यर, ओए खबरदार, तूने पंजाब के पुत्र को ऐसे चुप रहने को कहा तो। अरे छोड़ी छोड़ी, शांत रहे भाई छोड़ी, तू तो शांत रहे मेरे दोस्त। ओ मेहता साहब, मैं क्यों शांत रहूं? मैंने क्या गलत कहा? अय्यर ब्रा का इशारा जेटा ब्रा की तरफ था ना। अरे यार अय्यर ने किसी का नाम तो नहीं लिया है ना भाई, तो इशारे से हम कैसे इल्जाम लगाते किसी पर? अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है अय्यर भाई का इशारा साफ साफ मेरी ओर था, फिर भी आप उनको बचा रहे हैं? अरे भाई मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन आज से नहीं निकल जाए, कि जो बिना वजह की बहस हो रही है मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो मेहता साहब, ये बिना वजह की जो बहस है ना, ये पोपटलाल ने शुरू की है, अगर वो शांत बैठ जाता तो ये बहस ही नहीं होती। अरे भाई पोपटलाल, तुमने कहा कि जेठालाल को बुलाओ, मैंने बुला दिया, सब लोग आ गए, अब ये तो बताओ कि तुमने बुलाया क्यों है सबको, क्यों बहस कर रहे हो? अरे ये भीड़े की वजह से बुलाना पड़ा, सोसाइटी के ऑफिस में इतना बड़ा क्रैक है, लीकेज है, छत किसी के ऊपर गिर जाएगी तो। इसने कुछ काम ही नहीं करवाया और ऊपर से कमिटी मेंबर के ऊपर भी फाड़ रहा है। पोपटलाल हर साल बारिश के पहले सोसाइटी के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं निपटा लेता हूँ, लेकिन अभी इस बार कोरोना काल चल रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? रिजाइन कर दे। रिजाइन? ठीक है, मैं आत्माराम की तरह मिले गोकुला सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, अभी के अभी खड़े खड़े मेरे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। अब से सोसाइटी की पूरी भागदौड़ ये पोपटलाल संभालेगा। भिड़े भाई, पोपट भाई तो क्यों सीरियसली ले रहे हो? ये अब्दुल ये क्या बोल रहा है? पोपट भाई की बात को क्यों सीरियसली ले रहे हो? हाँ। अरे आत्माराम, पोपटलाल जो कुछ भी बोल गया वो गुस्से में बोल गया। नहीं गुस्से में बोला, लेकिन सही बोला। तू ये बता मुझे, कोरोना काल के पहले तूने ये काम क्यों नहीं करवाया? अरे भाई उसका चिकना स्वभाव की वजह से पोपटलाल। हाँ वो भावतल करता रहा होगा, इतने में कोरोना काट आ गया तो रह गया काम। मेहता साहब आप अपने दोस्त को समझाओ, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। अरे भाई भिड़े ये गलत बात है, अरे भाई जेठालाल मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दुश्मन हो मेरे यार। नहीं नहीं हम दुश्मन नहीं है, लेकिन जेठालाल आपका परम मित्र है ना, वो सही हो गलत हो आप तो उसका ही साथ देते हो।
और हमारे साथ अन्याय करते हो। कर रहे। नहीं 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 ऐसा नहीं। एक मिनट मेहता साहब, ऐसी बात नहीं है, मतलब आप मेरे परम मित्र नहीं है? अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा परम मित्र, इसलिए अगर तुम किसी बात में गलत हो तो मैं तुम्हें सही साबित करने की कोशिश कभी नहीं करता जेठालाल। तो मैं कभी गलत होता ही नहीं हूँ। नहीं मतलब अगर कभी गलती से मुझसे गलती हो जाती है तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है। तो मान लो ना तुम्हारी गलती हुई है। अभी क्या गलती हुई है मेरी भाई? मेरे स्वभाव को लेकर जो तुमने अभी कहा ना जेठालाल, वो गलत ही है। माना माना कि मैं भावताल करता हूँ, लेकिन भावताल करके किसका पैसा बचाता हूँ? सोसाइटी का ही ना। मतलब तू ये कहना चाहता है कि तेरा स्वभाव चिकना नहीं है? नहीं, मेरे स्वभाव को चिकना स्वभाव नहीं बोल सकते। अगर चिकना स्वभाव का श्रेष्ठ उदाहरण देखना है ना, तो ये है ज्येष्ठ नागरिक, और इसी स्वभाव की वजह से उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहे हैं? शादी की बात कर रहा है तो तेरी दुनिया हिला दूंगा। ओ भिड़ू, ओ तुझे पप्पू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ क्यों, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अय्यर भाई, अब सीविंग क्यों के एविंग की तरफदारी कर रहे हैं? ये भाई ये क्या क्षेत्रवाद है, अब ये नया शुरू। पापर लाल, तुम मेरे को एबीसीडी मत दिखाओ। मैं साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। तुम आत्मराम को सॉरी बोलो। हाँ बोल दो यार। ओए पप्पू, खबरदार जो तूने सॉरी बोला तो। नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी, तू चुप रह ना यार। अरे आप चुप रहिए यार भाई, बराबर बोल रहे छोटे। ये पोपट लाल क्यों सॉरी बोला भिड़े को? वो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं जटा ब्रा। ओ पप्पू, तू बिल्कुल सॉरी मत कहना। मैंने सवाल ही नहीं उठता डॉक्टर आती। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने क्या किया है भाई? हाँ मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई सॉरी बोल ही नहीं रहा था तो सोचा मैं सॉरी बोल देता हूँ, एटलीस्ट बात तो खत्म हो। वैसे बात क्या थी? बात कुछ खास नहीं आती भाई। अबे सोसाइटी के ऑफिस के छत को थोड़ा सा क्रैक हुआ है और कोरोना काल की वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाया। बस इतनी सी बात पे ये पोपटा ने हंगामा मचा दिया और उसका साथ देने के लिए आ गया जेठालाल। अरे भाई मैं तो शांति से अंदर बैठा था, मेहता साहब ने फोन करके बाहर बुलाया मुझे। अरे पर मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया जेठालाल, मुझे तो इस बात का सरपैर भी नहीं पता भाई। पोपटलाल ने कहा आप फोन करके बुलाओ तो मैंने बुला लिया। तो मेहता साहब आपको क्यों बोला? पोपटलाल ने खुद फोन क्यों नहीं किया? ले भिड़े, अभी तू बोल रहा था ना पोपटलाल का साथ देने के लिए जेठालाल आ गया, तो अभी तेरा साथ देने के लिए अय्यर भाई आ गए। ओ जेठालाल, तुम तो कुछ बोलो ही मत। ओ अय्यर भाई, मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, और सिर्फ बोलूंगा नहीं मैं। जेठालाल क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी वो मैं पोपट पोपट। अच्छा पोपट पोपट, रुक अभी दिखाता हूँ। ए पोपटलाल, ए रुको रुको रुको, ये आया 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 आया। ओ पोपटलाल, क्यों मजा आया ना? पोपट पोपट कर रहा था। अभी रुक तू, अभी रुक। अहो काय चाललंय? तू मजे पडू नको। अहो काय नेमने यांचं काय करतील? अय्यर भाईना लागला बॉल तुझ्यामुळे। मी काय केलं? तूच बोलली ना यांचा काही नेम नाही, नेम चुकला। सॉरी सॉरी अय्यर, सॉरी वो गलती से लग गया, सॉरी। जैसे का तैसे मिला, बड़ा मजा आया। जेठालाल क्या हुआ ये? गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे गुड मॉर्निंग चलो, गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ तो गुड आफ्टरनून बबीता जी। अरे जेठालाल गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग चलो, क्या बोला तुम मेरे को? जैसा को तैसा मिला। हाँ
अभी मैं तुमको ऐसा का तैसा कैसा होता ये बता दूं। अरे सॉरी सॉरी मेहता साहब, वो क्या मैं जयदलाल को मारने गया तो आपको लग गया। अभी आप एक काम करो, ये बॉल उठा और जयदलाल को मारो। नहीं, मुझसे उम्मीद मत रखो, मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ। वाटलस माला, अरे कैसे मारेंगे, परम मित्र है ना जेठालाल, वो नहीं मारेंगे। बराबर है, ये बात है। हाँ, दिखो दिखो दिखो। मेहता साहब, तुझे मैनू मारे? अरे वाह 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 मेहता साहब, क्या बात है, सोड़ी ये तो होना ही था। अरे जानबूझ के उन्होंने जेठालाल को बॉल नहीं मारा, रेलिंग पे बॉल मारा ताकि तुम्हें लग जाए। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई भिड़े, मैंने बॉल जेठालाल को मारने के लिए फेंकी थी, अब वो रेलिंग से टकरा के छोड़ी को लग गई, तो उसमें मैं क्या करूं भाई? नहीं 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 मेहता साहब, आपने जानबूझ के रेलिंग को ही मारा है। अरे भाई, अगर बॉल मुझे छोड़ी को मारनी होती तो मैं डायरेक्ट छोड़ी को ही मारता ना, मैं रेलिंग का सहारा क्यों लेता। ला छोड़ी बॉल दे, मैं अभी तेरे को मार के दिखाता हूँ डायरेक्ट। लो मेहता साहब, आपको मुझे मारने के लिए बॉल चाहिए ना? आ, ला ला लो जी लो, देता हूँ अभी। ए, छोड़ी नहीं, ए, 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 देता हूँ देता हूँ, छोड़ी लग जाएगी, छोड़ी नहीं नहीं, लो लो मेहता साहब लो, नहीं 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 लग जाएगी। हाथीपुरा बीच में से हट जाओ। अरे मैं कहाँ बीच में हूँ। अबे तेरी चाचा जी, तो अब ये नौबत आ गई, तुम सब लोग आपस में हाथापाई कर रहे हो। देखिए ना चाचा जी, यार क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए चाचा जी, ये सब है ना, ये जयदलाल का वजह से हुआ है, ये जयदलाल ने हाथापाई शुरू किया था। अरे मैंने क्या, नहीं नहीं मैंने कोई हाथापाई नहीं शुरू किया बाबूजी। तो फिर साथ में बॉल कितना फेंका था? अरे इसने मारा था, मैंने देखा था जेठालाल। अरे भाई यार, क्या तू किस बंदे की कोशिश कर रहा है? अरे ओ सारे लाइव में छोड़ दे, मैं बोल रहा हूं तेरे को, अपने अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो झगड़े की बात। अरे क्यों करते हो आपस में तीन टकता? अरे बापू जी, अरे चाचा जी, अरे क्या हुआ जी? अरे चुप रहो जी, कुछ ना कहो जी, पहले सबको बुलाओ। टपू सेना, बोलो दादा जी। सब सुनो मेरी बात। अरे अयो मेरे अय्यर, अरे आमचे भिंडी मास्टर, अरे बल्ले बल्ले सोड़ी, अरे जेठो मारो बेटो, अरे अब्दुल भोले भाले, ओ पोपट तेरे, अरे महसूस ने अरे, अरे हाथी मेरे साथी, हम सब आपस में नाती, फिर क्यों करते हो आपस में तीन टका टका टकता तीन टका टका टकता? अरे वक्त बुरा है माना, आपस में क्यों मारे ताना, खेल कूद पर टोक लगी, मिलने पर भी रोक लगी, धंधे पर लग गया ताला, पर आपस में बैर पाला, अब कल पर पर्दा डाला, घर में भी झगड़े की ज्वाला, फिर क्यों करते हो, अरे क्यों करते हो आपस में दिन तक 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 दिन तक 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 तक। ये मैं तू समझ ले, मजे भीड़े तू पर समझूं गे, बिन्नल्ली ना अय्यर, उन लुक तुम पूरी किया तू, जेठा मारा बेटा, समझी ले बात तुम्हारी, अरे अब्दुल पोपट हाथी, अरे बात सुनो मेरे साथी, माना महामारी है, पर हार नहीं है, अरे फिर क्यों करते हो आपस में, दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक, बोलो बंद अकल का ताला, हर कोई यहाँ मत वाला, आपस में दोस्ती का नाता, ये गोकुल धाम है, मिनी इंडिया,
प्यार मोहब्बत भाईचारे का पता। मत करो भाई, मत करो तुम आपस में। धिन तक 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 ता, धिन तक 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 ता। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। धिन तक 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 ता, धिन तक 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 ता। मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। हंसकर कहेंगे, हंसकर कहेंगे। अरे टूटे ना ये नाता, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। धिन तक 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 ता, धिन तक 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 ता। वाह चाचा जी वाह, क्या गाना सुनाया आपने। वाह बहुत, बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आज की सिचुएशन में फिट बैठने वाला गाना गाया आपने। हाँ तो इसे अभी अपने दिमाग में भी फिट कर लो। सही बात है, ये सिर्फ गाना ही नहीं था, चाचा जी ने इस गाने के माध्यम से हम सबकी गलती का एहसास कराया। बिल्कुल बिल्कुल मेहता सर। वाह देखा, तुम लोग ऐसे इंसानों की तरह बातें कर रहे हो तो कितने अच्छे लग रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले मारा मारी कर रहे थे, झगड़ा झगड़ी कर रहे थे। अरे हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है, सालों से सुख में दुख में हम मिलजुल कर रहते हैं, और आज दुश्मनों की तरह झगड़ा झगड़ी कर रहे हो। देखो तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है? कौन चाचा जी? तुम्हारा स्वभाव। हाँ सही बात है। अरे जीवन में सुख दुख छोटे बड़े नहीं होते, हम अपने स्वभाव से उसे छोटे बड़े करते हैं। सुना भिड़े, तुम लोग हमेशा कितनी हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हो, और आज एक दूसरे से लड़ रहे हो। असल में चाचा जी बात यह है कि इस वक्त हम सब पर कोरोना काल का, काम धंधे में नुकसान का, पैसों का, घर में बंद रहने का, इन सब चीजों का तनाव छाया हुआ है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। चाचा जी सच कहूं तो इस तनाव को समझने जितना, सहन करने जितना हमारा मनोबल मजबूत नहीं है। जिंदगी एकदम अनिश्चित हो गई है। वो सच क्या है पिडू? कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। चाचा जी यहाँ इस बीमारी की कोई दवाई नहीं मिल रही है, और मुझे शादी के लिए सुकन्या नहीं मिल रही है। तुम सब लोग इस परिस्थिति के तनाव को झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। बिल्ली मास्टर तू, अरे तू एक शिक्षक है, तुझे तो अपने विद्यार्थियों के लिए और आज की पीढ़ी के लिए उदाहरण बनना चाहिए, लेकिन तू तो खुद ही छोटे बच्चे की तरह लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। देखो चाचा जी हर चीज में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए फिर तो क्या आपने दिमाग का संतुलन खोकर दिमाग का भी नुकसान करेगा? नहीं, अरे मोबाइल संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ चीजों के नुकसान के लिए घर वालों की शांति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे माधवी बेटी के सामने क्या देख रहा है भिंडी मास्टर? मुझे सब पता है, इस परिस्थिति से परेशान होकर तुम सब लोग अपने चिड़चिड़ेपन का शिकार अपनी पत्नी और अपने घर वालों को बनाते। वक्त बुरा है माना, पर आपस में बैर क्यों पाला, क्यों है अक्सर बरताला? बिल्कुल सही कहा चाचा जी। दोस्तों जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे सपाट तो होते नहीं, रास्तों में खड्डे भी होंगे, फिसलन भी होगी, तो फिसलना लाजमी है, लेकिन जो व्यक्ति फिसल कर संभल जाए वही आगे बढ़ता है, वही विजेता होता है। लेकिन बुरे वक्त में अपनी सोच का संतुलन खो बैठते हैं और जिंदगी की लय बिगड़ जाती है। पूरा विश्व कोरोना से परेशान है, इस महामारी से परेशान है, ऐसे में हमें सोचना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की पूरी सृष्टि एक परिवार है, तो हम आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे,
और लड़कर जीतेंगे और खुशियां हमारे यहाँ बरसेंगी। और खुशियां तो आपके यहाँ वैसे ही बरसती है क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।